हासिल हुई है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना आशीर्वाद उनका मिला है। हरियाणा प्रदेश वासियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना साथ कांग्रेस पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश में देने का काम हुआ है। ये मैं समझता हूं प्रजातंत्र की जीत है, प्रजातंत्र की जय हो। ये लोगों ने देश के संविधान को बचाने का काम किया है, देश की प्रजातंत्र में संतुलन वापस लाने का लोगों ने काम किया है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरा लोकसभा क्षेत्र है, ये मेरी जीत नहीं है, ये लोगों की जीत है। लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने ये चुनाव लड़ा, लोगों ने कब चुनाव संभाला, हर व्यक्ति की भावना और हर व्यक्ति का आशीर्वाद मुझे मिला। तो ये मेरा तो केवल नाम मात्र था, ये लोगों की जीत है। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों के को ये जीत अपनी समर्पित करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये जो आशीर्वाद लोगों ने दिया है, मेरी आत्मा पे इस आशीर्वाद का बोझ अंतिम मेरी सांस तक रहेगा, जिसको मैं हमेशा अपने लिए, रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों के लिए मैं हमेशा समर्पित रहूंगा। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीद नहीं थी कि हर हलके से लीड मिलेगी, और ये मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। और इसीलिए ये मेरा लक्ष्य था। मैं आपके बीच में एक बात कहता था बार बार कि जीत लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य 9 की 9 विधानसभा सीटों पे जीतना है। एक संदेश देना है कि छत्तीस बिरादरी मिलकर प्रदेश के अंदर परिवर्तन की तरफ कदम छत्तीस बिरादरी मिला रही है। और आज ये संदेश रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने दिया है, 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जो बढ़त कांग्रेस पार्टी को मुझे मिली है, मैं लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस को कितनी बड़ी, देखिए ये बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी को एक मैंडेट मिला हरियाणा प्रदेश में, 5 सीट हमें मिली है। पिछली बार आपको याद होगा कि एक भी सीट नहीं मिली थी, हमारी 28% वोट थी और केवल 11 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी आगे थी। अब 45% वोट कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में मिली है, 5 सीटें मिली हैं और 52 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने, अभी सारे फाइनल जो है, लेकिन लगभग 52 सीटों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे रही है, जो अभी इनिशियल जो बात आ रही है। तो ऐसा मैं समझता हूँ बड़ा मैंडेट लोगों ने दिया है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को अपनी वोट की चोट से तोड़ने का काम किया है। लोगों ने नॉन परफॉर्मेंस को, केवल जो भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक केवल लोगों को उलझाने की राजनीति करी धर्म जाति के आधार पर, लेकिन कोई काम नहीं किया, नॉन परफॉर्मेंस के रूप में ये सरकार साबित हुई। उस सरकार के खिलाफ अपना जो है रोष है, वो वोट की चोट से प्रकट करने का काम किया है। और मैं सभी अपने समर्थकों से भी कहना चाहता हूँ कि जो है, सभी समर्थक मैं देख रहा हूँ बहुत जोश में हैं, और अभी हम निकलेंगे यहाँ पर वो अपना काफ़ी उत्साह में है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई आज जो सारे समर्थक खुश हैं और खुशी मनाई जाए, लेकिन हर कोई, किसी ने किसी और को भी वोट दी हो, वो भी हमारा अपना है। सबकी भावना का सम्मान करते हुए एक सम्मानजनक रूप से जो है, ये मैं समझता हूँ कि आज खुशी मनाने का समय है। और मैं समझता हूँ क्योंकि सभी जो है, प्रत्येक जो है रोहतक वासी वो हमारा अपना है, और इस रूप से कहीं कोई बात नहीं आनी चाहिए। इस समर्थक की भी बात आएगी तो वो उस समर्थक को हम अपना समर्थक, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। सुरेंद्र जी, बहुत बड़ी जीत कहेंगे, बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी करती। देखिए, मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि लगातार 5वीं बार रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने कांग्रेस के कैंडिडेट और विपक्ष के कैंडिडेट के रूप में मेरे को ना सिर्फ हरियाणा बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेरे को वोट प्रतिशत के रूप में आशीर्वाद दिया है। पांचवें इलेक्शन में, आप समझते हैं कि अगले इलेक्शन में ही मुश्किल हो जाता है। पिछले इलेक्शन में भी वोट प्रतिशत कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लोगों ने मेरे को खूब आशीर्वाद दिया था। तो ये मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतनी कड़ी मेहनत करी, मैं देखता था इतनी गर्मी में और इतनी जितनी मेहनत, हम तो फिर भी एक जो है गांव से दूसरे गांव अपनी गाड़ी में बैठ जाते थे, लेकिन आप में से बहुत से लोग तो मोटरसाइकिल पे निकलते थे। और इतनी आप लोगों ने, मीडिया ने इतनी मेहनत करी है, जो धरातल पे जो मीडिया है देश की, उनको भी और प्रदेश की और हमारे खास तौर पे रोहतक लोकसभा क्षेत्र की,
उनको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तस्वीर आपकी आई थी जिसमें भावुक नजर आए थे, आप क्या? मैं समझता हूँ कि वो भावुकता खुशी की भावुकता थी, वो आंसू खुशी के आंसू। इंडिया गठबंधन को कौन जो मैं समझता हूँ कि आप समझ सकते हैं, वो आप जो है मैं समझता हूँ वो आप समझ सकते हैं कि जो है मैं उस बात को मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। वो भावना जो है मैं समझता हूँ मेरा रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासी समझ सकते हैं मेरी वो भाव, उस भावना को। और मैं इसको बहुत बड़ी अपनी मैं समझता हूँ लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि नौ की नौ विधानसभा में जो लोगों ने जो है ये मैं समझता हूँ इसमें लोगों का एक आशीर्वाद जो रहा है, नौ की नौ सीटों में हमें बढ़त मिली है। ये कुछ कह रही है, ये बढ़त ये कुछ कह रही है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में ये सरकार अल्पमत में पहले आ चुकी थी, विधानसभा में विधायकों का विश्वास ये सरकार पहले खो चुकी थी, अब ये जनता का विश्वास भी, जनता ने भी अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ पारित कर दिया, हरियाणा की सरकार के खिलाफ, अल्पमत की सरकार जिसके खिलाफ जनता ने अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कर दिया हो, ऐसी सरकार को क्षण भर भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस सरकार को, हरियाणा की सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, हरियाणा में चुनाव कराए जाए, ये मैं मांग करना चाहता हूँ। और ये सरकार अगर नहीं कराती तो इसको बर्खास्त किया जाए और यहाँ पर हरियाणा के अंदर तुरंत प्रभाव से चुनाव कराया जाए, क्योंकि अब स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 41 विधायकों के जो है मैं समझता हूँ ये सरकार 41 विधायकों पे नहीं चल पाएगी। उनका सहयोगी दल जो रहा था, जिसके अब मैं समझता हूँ कि जिनके साथ गठबंधन टूट गया है, उसके सहयोगी दल को प्रदेश की जनता ने पूर्णतर रिजेक्ट करने का काम किया है। किसी भी सीट पर मैं समझता हूँ उनकी कोई ज़्यादा वोट आई नहीं, तो आज ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार